तो बेसिकली आज हम बात कर रहे हैं आपके साथ पिवट टेबल में कैलकुलेशन के बारे में। कैलकुलेशन क्या होता है? ये पिवट टेबल जब हम लगाते हैं तो पिवट टेबल के अंदर में जो कैलकुलेशन होती है हम चाहते हैं इनबिल्ड करना, क्योंकि अगर हम एक्सटर्नल कैलकुलेशन करते हैं तो वो पिवट का पार्ट नहीं होता है। हम चाहते हैं कि पिवट का पार्ट हो, इसलिए हम एक्सटर्नल कैलकुलेशन नहीं करते, इंटरनल कैलकुलेशन करते हैं। जैसे कि हमने अभी अभी एक डेटा के ऊपर पिवट टेबल लगाया जो कि आप देख पा रहे हैं। इसमें मैंने नेम रखा, नेम वाइज मैंने यहाँ पे क्वांटिटी रखा। तो इसमें सबसे पहले मुझे ये जान चाहते हैं कि कंट्रीब्यूशन, कि किसका क्या कंट्रीब्यूशन है, या मैं टारगेट ऐड करूँ तो टारगेट की अचीवमेंट दिख जाए, ये सब चीजें हम करते हैं। तो कैलकुलेशन दो तरह की होती है, एक होती है हमारा लेजेंड कैलकुलेशन, दूसरा होता है हमारा फील्ड कैलकुलेशन। तो लेजेंड कैलकुलेशन में जहां हम सम, जैसे सम ऑफ क्वांटिटी दिख रहा है, उसी में हम वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे शो वैल्यू एज में नो कैलकुलेशन के जगह पे आपके सामने यहाँ पे आता है परसेंटेज ऑफ, सॉरी परसेंटेज ऑफ एक पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग करना है, या फिर आप चाहते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल, तो जो ग्रांड टोटल है उससे सबको डिवाइड करके आपको यहाँ पे परसेंटेज दे देगा। अब एक साथ दो भी रख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे रख दिया क्वांटिटी और रख दिया, तो ये पता चल गया कि 261 जो है ओवरऑल में 11% है, 102 4% है, 229 9% है, 264 11% है, इस तरह से परसेंटेज है आपका। तो यहाँ पे हम बात करते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर में और क्या क्या है। तो यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल हो गया, रो टोटल हो गया। अब रो टोटल कॉलम टोटल क्या होता है अब बताता हूँ आपको। जैसे मैंने इस क्वांटिटी को हटा देता हूँ और मैं सिटी को रखता हूँ यहाँ पे, तो जो रो टोटल है एक कहलाता है और जो कॉलम टोटल एक कहलाता है। तो अगर आप जाते हैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में और यहाँ अगर मैंने ले लिया परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, तो क्या होगा कि हर किसी का जो कॉलम का टोटल है ना उसको डिवाइड करता है। और परसेंटेज ऑफ रो टोटल जो है इधर जो रो का टोटल उससे सबको डिवाइड करता है, और परसेंटेज ऑफ ग्रांड टोटल तो पता ही है, जो टोटल ग्रांड टोटल है उसको टोटल करता है। परसेंटेज ऑफ पर्टिकुलर पार्ट चाहते कि मैं चाहता हूँ जो पुनीत का टोटल है बाकी सबसे डिवाइड हो जाए, तो परसेंटेज ऑफ वो टोटल कहलाता है। उसके अलावा यहाँ पे और भी फीचर्स हैं, एक बार देख लीजिए। परसेंटेज ऑफ प्राइम टोटल ये आपका डिफरेंस आता है, ये रनिंग टोटल क्यूमुलेटिव टोटल कहा जाता है। जैसे कि पूजा का 261 था, पूजा मोहन मिला के 263 हो गया। अगर क्वांटिटी को एक बार और रखेंगे तो आपको दिखेगा कि क्यूमुलेटिव देगा, पूजा ने दिया 261 था, मोहन ने दिया 102, तो पूजा का 261 था और 102 मिलकर 363 हो गया, कविता का इसी तरह से 229 हो गया। तो इसी तरह से क्यूमुलेटिव टोटल बढ़ता चला जाता है। ठीक है सर, ये आपका क्यूमुलेटिव टोटल होता है। इसके बाद बात करते हैं कैलकुलेशन की, आपका फील्ड कैलकुलेशन की। इसमें बाकी कैलकुलेशन हो आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई दिक्कत होगा तो फोन कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर जो बाकी कैलकुलेशन, अब बात करते हैं फील्ड कैलकुलेशन की। अब जैसे कि यहाँ देखिए क्वांटिटी और एमआरपी है, तो यहाँ पे मैंने एमआरपी का टोटल निकाला, एक गलत है। क्यों? क्योंकि ये 87 87 पीस 28 रुपए के हिसाब से मिला है, बिका है, समझे? तो इसका मतलब है कि अगर हमने टोटल किया तो 28 ही दिख रहा है ना, जो कि गलत है। हमें एमआरपी का एवरेज निकालना चाहिए कि भाई 261 प्रोडक्ट एवरेज जो है 49 रुपए के हिसाब से बिका है, तो टोटल अमाउंट क्या होना चाहिए, क्योंकि मेरे डेटा में टोटल नहीं है। अगर टोटल निकालना होगा तो हमें डेटा के अंदर टोटल का कॉलम ऐड करके हम एक क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी करेंगे, तब तो जाके टोटल आएगा।
इस चीज को करने के लिए हम सिंपल पिवट टेबल पे जाएंगे और यहाँ पिवट टेबल एनालाइज के अंदर आप देखेंगे यहाँ फिल्ड आइटम सेट आपको दिख रहा होगा। फिल्ड आइटम सेट इसमें कैलकुलेटेड फील्ड दिखेगा, कैलकुलेटेड फील्ड को सिलेक्ट करते हैं। जी हाँ, कैलकुलेटेड फील्ड को हम सिलेक्ट करते हैं। ऊपर में फील्ड नेम देखिए यहाँ पे दिख रहा है आपको फील्ड नेम, तो फील्ड नेम में मैंने यहाँ पे टोटल दे दिया और यहाँ हमने जो है क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी हमने दे दिया, ऐड किया एमआरपी, देखिए टोटल आ गया। उसके अलावा और भी चाहिए, जैसे मैं जीएसटी निकालना है तो जीएसटी और यहाँ हम टोटल का 18% कैलकुलेट करते हैं, टोटल का 18% आ गया। इसी तरह से कमीशन निकालना है तो इस तरह यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो क्या कैलकुलेशन में सिर्फ हम मैथमेटिकली कर सकते हैं? नहीं, एक्सेल के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जीएसटी है और मैं चाहता हूँ जीएसटी के अंदर में डेसिमल है, राउंड है, तो यहाँ पे हम राउंड फॉर्मूला यहाँ नीचे जो टोटल आ रहा है इसको राउंड फॉर्मूले के अंदर डाल के कॉमा 0 कर देते हैं और इसको मॉडिफाई देन ओके हो गया। इसी तरह से मैं यहाँ पे जो है कंडीशन भी लगा सकता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ इसकी क्वांटिटी मोर देन 200 है, उसको 5,000 10,000 अदरवाइज 5,000 का मुझे इंसेंटिव देना है। तो यहाँ हम इफ फॉर्मूले वगैरह भी लगा सकते हैं, जैसे INC और यहाँ हमने दिया इफ, इफ में हमने यहाँ क्या किए क्वांटिटी ले, यहाँ पे हमने बोला कि ग्रेटर देन 200 है तो यहाँ पे 10,000 अदरवाइज 5,000 एंड एट ओके। इस तरह की कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, समझ में आया आप लोगों को? अब बात आती है इसमें, जैसे मान लीजिए जो पूजा आप दिख रहे हैं यहाँ पे, अब पूजा पुनीत और अजीत तीन चीज, तीन जो है ना एक ही टीम का है, तो मुझे इसको टीम ए को दिखाना है, टीम ए का टोटल दिखाना है। तो ऐसे आप ग्रुप करते हैं ना, पर मुझे ग्रुप नहीं करना है। तो यहाँ देखिए कैलकुलेटर आइटम ध्यान रखिएगा, कैलकुलेटेड आइटम तभी एक्टिवेट होगा जब इस पे क्लिक करेंगे, बाहर कहीं क्लिक रखेंगे तो ये आइटम डीएक्टिवेटेड होगा। तो कैलकुलेटेड आइटम के लिए हम इस पे कर्सर रखा और चले गए कैलकुलेटेड आइटम, कैलकुलेट आइटम। अब क्योंकि आइटम नहीं हो रहा है क्योंकि हमने बहुत सारे फील्ड कैलकुलेशन कर रखा है, इसलिए एक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा। देखिए ओके, अब यहां पे फॉर्मूला है टीम टीम ए, ठीक है, और टीम ए में हमने लिया पूजा प्लस कर दिया ओम, प्लस कर दिया पुनीत, ऐड किया देन आ गया। सर इसमें एक आता है लिस्ट फॉर्मूला, जब लिस्ट फॉर्मूला पे क्लिक करेंगे तो ये बताएगा कि क्या क्या कैलकुलेशन किया हुआ। कभी किसी ने पिवट भेजा आपको ऐसा लग रहा है कि फील्ड समझ में नहीं आ रहा है तो इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक है सर। ये थी हमारी कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन में आगे पढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप जो है ना थोड़ी सी इसके ऊपर और अच्छे से प्रैक्टिस करें, ठीक है? ठीक है सर, अच्छे से प्रैक्टिस करें, फिर इसमें हम आगे बात कर लेंगे, राइट सर।
ओके सर, चलिए, और कोई डाउट होगा तो कॉल कर लीजिएगा।